व्हाट्सएप वक्त के साथ साथ जितना पॉपुलर हो रहा है उतना ही हमारी रोजमर्रा के कामकाजी जिंदगी में मददगार भी साबित हो रहा है। समझने और चलाने में आसान इस ऐप के जरिए अब ना सिर्फ चैट और कॉल होती है, अब शॉपिंग और पेमेंट भी किया जा सकता है। इसी के साथ अब व्हाट्सएप के जरिए मेट्रो टिकट की सुविधा भी शुरू हो गई है। जी, अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करने के लिए व्हाट्सएप टिकट सर्विस की नई सुविधा को लॉन्च कर दिया गया है। अब यात्रियों को टिकट के लिए ना लंबी लंबी लाइनों में लगना होगा, ना ही छुट्टे पैसों की झंझट होगी, ना टोकन गुम जाने का डर होगा। अब आसानी से मेट्रो का टिकट आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा, जिसे स्कैन करके आप अपनी ट्रैवलिंग को और भी आसान बना सकते हैं। व्हाट्सएप बेस्ड टिकटिंग सर्विस दिल्ली NCR में मेट्रो ट्रेन के लिए शुरू हुई है। मेट्रो ट्रेन की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली में मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC ने व्हाट्सएप बेस्ड टिकट सर्विस को लॉन्च किया है। इसकी मदद से यात्री व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की यात्रा कर सकेंगे। DMRC के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने अधिकारियों के साथ इस सुविधा को शुरू किया है। DMRC ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भी इसकी जानकारी शेयर की है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब व्हाट्सएप की मदद से मेट्रो टिकट बुकिंग सर्विस लाई गई है। बेंगलुरु और चेन्नई में मेट्रो के लिए ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। अब दिल्ली में मेट्रो के लिए भी इसे लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले इस सर्विस को एयरपोर्ट लाइन यानी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए लाया गया है, जिसके लिए DMRC ने एक ऑफिशियल नंबर भी जारी किया है। चलिए अब आपको बताते हैं आप इस सर्विस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस नए फीचर के साथ टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में DMRC का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 9650855800 सेव करना होगा। इसके अलावा आप चैटबॉट QR कोड को स्कैन करके भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जो सभी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन टिकट और कस्टमर सर्विस डेस्क पर मौजूद रहेगा। व्हाट्सएप के जरिए 9650855800 पर DMRC के नंबर पर हाय लिखकर भेजें। अपनी पसंद की लैंग्वेज को सिलेक्ट करें। स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शन नजर आएंगे, उनमें से एक को सिलेक्ट करें, जैसे टिकट खरीदना, अंतिम यात्रा टिकट, रिट्रीव टिकट, इनमें से एक को सिलेक्ट करें। इसके बाद सोर्स स्टेशन और डेस्टिनेशन सिलेक्ट करें और टिकट संख्या बताएं। इसके बाद इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI के जरिए पेमेंट करें। इसके बाद आपको व्हाट्सएप चैट में QR कोड टिकट मिल जाएगा। इसके बाद आप AFC गेट स्कैनर पर अपने स्मार्टफोन में मौजूद QR कोड को स्कैन करके यात्रा का लुत्फ ले सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।